रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये चार हमारी क्या है? जोर से, जोर से, जरूरत। मेरी गाड़ी बड़ी हो, मेरा बंगला बड़ा हो, ये जरूरत है कि इच्छा है? आज का आदमी, 95% लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं। जरूरतें तो पूरी हो चुकी हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। और बताओ, क्या इच्छाएं कभी पूरी हो सकती हैं? क्या रावण की हो पाई? जो पूरा हो ही नहीं सकता वो आप पूरा करने चले हैं। तुम्हारे बाप दादे भी पूरा कर करके मर गए। अपनी जरूर इच्छाएं, इच्छाएं, इच्छाएं पूरी करते करते मर गए, उनकी इच्छाएं। शादी के बाद क्या जरूरत है और क्या इच्छाएं हैं, फटाफट बताओ। शादी के बाद पति पत्नी के जीवन में इच्छा क्या होती है और जरूरत क्या होती है, ये सब लोग बताओ। शादी के बाद पति पत्नी के जीवन में बेटा और बेटी की होती है जरूरत। क्या होती है? बेटा और बेटी की होती है जरूरत। और जब वो जरूरत पूरी हो जाए, उसके बाद भी आप यदि भोगों में मन लगाए हैं, तो वो जरूरत नहीं है, वह आपकी इच्छाएं। और आप उन इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं जो कभी पूरी ही नहीं होंगी। इसलिए समझदार बनो। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये जरूरत पूरी सबकी लगभग है, लगभग 5% नहीं है तो वो लगे हैं बेचारे, स्ट्रगल कर रहे हैं। धन उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है। कमा लिया, चलो थोड़ा बैलेंस भी बना लिया कल का, ठीक है। बाकी अब जो समय बचा है वो भगवत चिंतन में लगाओ। समय बचा है, ध्यान करो भगवान का। तुम्हें ध्यान करने का समय नहीं है? आंख बंद करके थोड़ा भगवान के चरणों में मन लगाओ। संसार से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ो, मन लगाओ एकांत में, थोड़ा रहकर आत्म मंथन, आत्म चिंतन करो। समय नहीं है। सारी जिंदगी आदमी कमाता 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 मर गया, ये कोई मौत है? यही मौत कुत्तों की मौत, कमाते कमाते मर गए। कितने लोग ऐसे हैं जो इतना कमा चुके हैं कि वो खुद भी ना खा पाएंगे इतना। आप में से बहुत लोग यहां ऐसे बैठे होंगे कि आपने इतना कमा लिया है कि आपकी दो पीढ़ी भी ना खा पाएगी, फिर भी कमाने में लगे हो। कमाना बुरा नहीं है, कमा के जो तुम दो पीढ़ी और तीन पीढ़ी और चार पीढ़ी के लिए कमा रहे हो, ये गलत है। कमाओ, बेटों को योग्य बना दो, और जो धन है अपने हाथ से उस धन को धर्म से जोड़ना शुरू करो, तब तो कमाई सफल है कि अच्छे से लगा के गए। तुम कमा के जाओगे, तुम्हारी औलाद उस धन का दुरुपयोग करेगी। अच्छा, ज्यादा धनवान होना सही है या गलत है? जोर से, ज्यादा धनवान होना सही है या गलत है? अक्सर बच्चे गरीबों के बिगड़ते हैं कि धनवानों के? बोलो बोलो, आप सबका उत्तर लगभग एक सा है। अधिकांश बच्चे किनके बिगड़ते हैं?
गरीबों के कि धनवानों के? जोर से, धनवानों के। क्यों? उन्हें पैसे की कीमत पता नहीं, कमाया कैसे जाता है पता नहीं, बाप का मिल गया, मेहनत कैसी करनी होती है, मेहनत क्या है, गरीबी क्या है, दुख दर्द क्या है, लोगों की पीड़ाएं क्या है, लोगों की भावनाएं क्या है, ये चीजें पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। पढ़ने से गरीबी को आप महसूस नहीं कर सकते, हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, जरूरत से ज्यादा धन हानिकारक है, अति सर्वत्र वर्जयेत। ज्यादा धन आपके बच्चों को सुरा और सुंदरी का आदि बना सकता है। सुरा मीन्स शराब, सुंदरी मीन्स स्त्रियां। ज्यादा धन आपकी संतान को सुरा, अधिकांश बच्चे पढ़े लिखे बड़े बड़े बाप, बड़े बड़े बाप, धनवान बापों के बेटे क्लबों में जाते हैं। गांव का आदमी तो क्लब जानता ही नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा क्लब क्या होता है, ना बाहर से देखा उस क्लब को, ना भीतर से देखा। हमारी हैसियत तो रबड़ी खाने की नहीं थी, क्लब क्या करने जाते हैं, है ना? मुझे याद है जब मैं छठवीं क्लास पढ़ता था तो गांव से 2 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो उससे गांव तक आने के लिए एक बस से हम लोग चढ़ करके आते थे, बस में आते थे। तो सड़क के किनारे समोसों की दुकान थी, उस जमाने में एक समोसा 1.5 रुपए का था, जब हम छठवीं पढ़ते थे, 1.5 रुपए का एक समोसा। मेरे पास सिर्फ 1 रुपए था और सब समोसा खा रहे थे, तो मैं भी समोसे की इच्छा रखा, समोसा वाले से कहा भैया समोसा दे दो। उसने कहा पैसे 1 रुपए दिए। बोले 1 का नहीं आएगा, 1.5 का आएगा, 50 पैसे। मैंने कहा नहीं है। उसने कहा नहीं, समोसा भी नहीं है, चलो चलो बाहर। मैं नहीं गया उसकी दुकान से, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के दुकान से बाहर कर, चलो बाहर, भीड़ ज्यादा, चलो। फिर मैंने वो समोसा नहीं खाया 25 पैसे के चक्कर में, 50 पैसे के चक्कर में। ये दिन भी देखना जरूरी होते हैं। जब हम ये दिन देखते हैं ना, तब हमें 50 पैसे की वैल्यू पता चलती है। 50 पैसा क्या होता है? जिन बच्चों ने अपने जीवन में हर परिस्थिति को देखा है, हर परिस्थिति से गुजरे हैं, अपमान सहा है, गरीबी देखी है, वो बच्चे अमीरों के बच्चों से ज्यादा मजबूत होते हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं मेरी माँ, जो परिस्थितियों से गुजरता है वो ज्यादा समझदार होता है मेरे हिसाब से। हर परिस्थिति का जो सामना करके सही रास्ते पर चलता है वो लोग, उन पढ़े लिखे बच्चों से जो बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे ज्यादा नाम कमाते हैं, उनसे ज्यादा इज्जत कमाते हैं, उनसे ज्यादा समझदार होते हैं। इंसानों की, साहब मैं 25-50 पैसे की ही नहीं, मैं इंसानों की भी कदर करता हूं। पढ़े लिखे जो ज्यादा पढ़ के हैंग हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, बड़े बाप की औलाद पैसों का गुरूर है, वो इंसानों की कीमत नहीं करते, इंसानों की इज्जत नहीं करते। वो उनके यहां
नौकरों को भी अपमानित किया जाता है। हमने तो जीवन में कभी किसी का अपमान करना सीखा ही नहीं, क्योंकि जब हमारा अपमान होता था तो हमें दुख होता था। पता चलता है कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो कितना कष्ट होता है, तो जब हम किसी का अपमान करेंगे तो उससे भी तो उतना ही कष्ट होगा जितना हमें हो चुका है। इसलिए करो ही मत। मुझे लगता है कि आपके बच्चों को ना जमीन से उठना चाहिए। जो व्यक्ति जमीन से मींस हर परिस्थितियों से जूझता हुआ आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति बहुत सफल होता है। ऐसी मेरी मान्यता है, हो सकता है मेरी मान्यता गलत भी हो, मेरा मानना हो सकता है, इसमें आप 100 नंबर ना दें मेरी मान्यता में, पर जो मैं मानता हूं वो ये है। ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर बच्चे भी, यदि हाँ अमीर में वो लोग बच्चे हैं जो संस्कारी हैं। यदि आप संस्कारी हैं, यदि आपके घर परिवार में अच्छा वातावरण है और आप अमीर हैं और फिर भी आपने हर चीज मेंटेन कर रखी है संस्कारों को, तो भी आपके बच्चे ठीक चलेंगे। उनके बच्चे ज्यादा बिगड़ने की संभावना उनके बच्चों में होती है जो माँ बाप भी लापरवाह और बच्चे भी लापरवाह। कोई समझदार हो, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को झोपड़ पट्टियों में लेके जाया करो। आप अपने बच्चों को ना 10 रुपए की टॉफी दिलवा देते हैं, दिलाते हैं। कुछ बच्चे आधी चॉकलेट खाते हैं आधी फेंक देते हैं। बच्चों को पता ही नहीं कि 10 रुपए क्या होता है। उन बच्चों को कभी ना झोपड़ पट्टी लेके जाया करो फुटपाथ पर अपने बच्चों को, और टॉफी बच्चों के हाथ से उन गरीब बच्चों को बंटवाया करो और बताया करो कि बेटा देखो जो चॉकलेट हमने आपको दी थी आपने फेंक दी, इन बच्चों को देखो कितने स्वाद से खा रहे हैं। उसे धीरे धीरे एहसास दिलाओ, अभी से सिखाओ कि बेटा 10 रुपए कैसे आता है। आज के माँ बाप अपने बच्चों को पैसा देते हैं, स्कूली ज्ञान देते हैं, पर रुपए की वैल्यू नहीं समझाते कि पैसे की वैल्यू क्या है। बताओ बच्चों को पैसे की वैल्यू समझाना सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। मैंने लगभग सातवीं क्लास में एक कहानी पढ़ी थी हिंदी की बुक में, आज तक याद है, मैंने कई बार सुनाई, फिर सुनाता हूं। पसीने की कमाई, या उसका पसीने की कमाई, हाँ यही नाम था। दो पाठ थे, एक अपनी कमाई एक पसीने की कमाई। उन्हीं दो में से एक ये है। एक राजा ने अपने बेटे से कहा जाओ पैसे कमा के लाओ। राजा का बेटा था बड़ा, माँ से मांगा माँ पैसे दो, माँ ने निकाल के दे दिए, पिता को दे दिया, ये लो। पिता बोला कुएं में उसमें भट्टी में डाल दो, भट्टी में डाल दिया। फिर कमा के लाओ, बाप ने कहा। बेटा फिर चला मामा से मांग के ले आया कुछ पैसे, राजा ने कहा इसे भट्टी में डालो, उसे भट्टी में डाल दिया। राजा ने घोषणा की कि इसे कोई परिवार का आदमी पैसा ना देगा, और जो देगा उसे मैं दंड दूंगा। अब उसे किसी ने पैसा नहीं दिया। राजा ने कहा कमा के ला, कमाने चला, एक लोहार की दुकान में पहुंचा। लोहार ने कहा कि तुझे ये हथौड़ा उठाकर इसमें पटकना पड़ेगा लोहे में, तब तुझे मैं 25 पैसे दूंगा। पूरा दिन पटकवाया हथौड़ा उस बच्चे से, पसीने पसीने, पहली बार उसने इतनी मेहनत की अपने जीवन में, हाथ में फफोले पड़ गए। 25 पैसा लेके आया, पिता ने कहा भट्टी में डाल दो,
उस बेटे ने कहा, पिताजी ये मेरी पसीने की कमाई है, इसे मैं भट्टी में नहीं डालता। पिता ने कहा, बेटा अब तुम राजा बनने के योग्य हो गए हो, अब तुम इस गद्दी को संभालने के योग्य हो गए जब तुम ये जान गए कि 25 पैसा कैसे आता है, 25 पैसे की वैल्यू क्या है। हम बीड़ी नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, क्यों नहीं पीते हम? हमारी उम्र के बच्चे बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, हम नहीं पीते, क्यों? क्यों नहीं पीते? इसलिए नहीं पीते क्योंकि हमें धन का सदुपयोग करना आता है। हमें दो चीजों की वैल्यू है, पहला धन की वैल्यू हमें पता है, धन की कीमत हमें पता है, पहला। दूसरा, हमें शरीर की कीमत भी पता है, शरीर, हमें शरीर की कीमत ये पता है। एक आदमी गाड़ी खरीद के लाया और बोला कि डीजल पेट्रोल महंगा है, मैंने कहा मिट्टी का तेल डाल के चला, कैरोसिन घास लीट डाल, अरे महाराज जी इंजन बैठ जाएगा। मैंने कहा पागल, गाड़ी में मिट्टी का तेल इसलिए नहीं डालता कि उसका इंजन ना बैठ जाए, गाड़ी कितनी फिकर है, और तू शराब पी पी करके जो अपना इंजन बिठाल रहा है, अरे गाड़ी का इंजन बैठ गया तो बन भी जाएगा, और गाड़ी की कीमत तो 10 लाख 20 लाख की है, बन भी जाएगा, दूसरी गाड़ी कल मिल भी जाएगी, पर शरीर का इंजन शराब पी के बिठाया तो फिर कहां बनेगा तेरा इंजन। गाड़ी की वैल्यू करता है, गाड़ी की इज्जत करता है, पर अनमोल शरीर उसकी इज्जत नहीं करता। बताओ समझदार कौन है, जो गाड़ी की इज्जत करता है वो, या शरीर की इज्जत करता है वो? जोर से, गाड़ी तो कल फिर आ सकती है, पर शरीर एक बार तुम्हारा बिगड़ा, किडनियां फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, फिर अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, कहां जाने आया था कहां चल पड़ा। जो आदमी धन का और शरीर का, मेरा शरीर, यदि शरीर है तो सब है, शरीर है, बोलो शरीर है तो सब है, शरीर अच्छा होता है ना तो सब अच्छे लगते हैं, और शरीर अच्छा ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, हाँ या ना, हाँ या ना। फिर तो अनमोल क्या है, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, या आपका शरीर? शरीर स्वस्थ हो तो घास की झोपड़ी में गुजारा हो जाता है, और अस्वस्थ शरीर हो तो महल भी बेकार लगते हैं, सोने का भी तुम्हारा घर हो और शरीर अस्वस्थ हो तो वह सोने का महल भी खाने को दौड़ता है। इसलिए जिस आदमी ने धन की इज्जत की, जो धन का सम्मान किया, मीन्स धन का सदुपयोग किया, और जिसने शरीर का सदुपयोग किया, वो लोक परलोक दोनों जगह सुखी रहेगा। वो लोग परेशान हैं जो धन का दुरुपयोग करते हैं शराब पीकर। देखो शराब पीने से धन भी बिगड़ता है और तन भी बिगड़ता है, हाँ या ना। तो समझदार कौन, जो शराब पिए वो या ना पिए वो? बोलो, ना पिए जो वो समझदार है। तो ये दास अनिरुद्ध ने हर स्थिति से मैं गुजर के देखा हूं, हर परिस्थिति, जिसके जीवन में जितना संकट आएगा, सेंटेंस याद कर लो, जिसके जीवन में जितना संकट आएगा, जिसके जीवन में जितनी मुश्किलें आएंगी, वो व्यक्ति उतना सफल होगा। जिसके जीवन में मुश्किलें नहीं है, संकट नहीं है, उसके सफल होने की संभावना भी उतनी कम है।
संकटों से, विपत्तियों से व्यक्ति मजबूत होता है। बोलो हाँ, हाँ या ना। आग में लोहा जब तपता है ना, तो आग में लोहा तपने के बाद क्या होता है, और पहले की अपेक्षा मजबूत हो जाता। लोहा जितना तपेगा उतना मजबूत होगा। हम लोग सरिया लाते हैं, ट्रेन जिस पर चलती है वो ट्रैक भी लोहे का होता है, हाँ या ना। बोलो हाँ। और हम लोग जो घर बनाते हैं वो सरिया भी लोहे का होता है। आपने ट्रेन के ट्रैक पर जंग लगी देखी? लोग कहते हैं कि लोहे पर जंग लगती है, तो जिस ट्रैक पर ट्रेन चलती है उस ट्रैक, वो लोहा 500 साल पुराना है, जंग नहीं लगी, गला नहीं, पानी में पड़ा रहता है। और ये तुम्हारा घर का सरिया पानी में डाल दो, 4 महीने पड़ा रहने दो, देखो अंतर है, हाँ या ना। ट्रेन वाला जो लोहा है, जिस ट्रैक पर ट्रेन चलती है वो भी लोहा है, घर में भी लोहा है, इसमें जंग लगती है, उसमें इतनी जल्दी जंग नहीं लगती, उसकी आयु ज्यादा है आपके घर के लोहे की अपेक्षा। क्यों? कारण यही है कि जो ट्रेन वाला लोहा है, जो ट्रैक में उपयोग होता है, उस लोहे को मजबूत करने के लिए बार बार उसे तपा कर उसमें पानी डाला जाता है, फिर तपा कर फिर पानी डाला जाता है, फिर तपा कर, इसलिए वो लोहा महंगा भी होता है, कीमती भी होता है। क्यों? तुम्हारा ये घर वाला सरिया वाला लोहा तो आग में गया, बाहर आया, आ गया बस एक बार, उसे तो 500 बार आग में जाना पड़ता है। किस लिए? किस लिए? मजबूत होने के लिए, ज्यादा सर्विस देने के लिए। इसलिए उस लोहे की उम्र ज्यादा है इस लोहे की अपेक्षा। मतलब यह है कि जिसके जीवन में जितना संकट आएगा, जो जितना तपेगा दुखों की आग में, उसकी आयु उतनी लंबी, मीन्स उतना चमकदार होगा, वह उतना टिकने वाला होगा, बहुत दिनों तक टिकेगा, बहुत समय तक रहेगा। तो मुसीबतें आए तो घबराओ ना, बल्कि वो मुसीबतें आपको मजबूत बनाती। हमें लगता है ये मुसीबत नहीं आनी चाहिए, पर जो हमें मुसीबत सिखाती है ना, जो हमें समय सिखाता है, वो ना कोई स्कूल सिखा पाएगा, ना कॉलेज सिखा पाएगा, ना कोई यूनिवर्सिटी सिखा पाएगी, ना कोई गुरु सिखा पाएगा। जो समय सिखाता है ना साहब, वो कोई नहीं सिखा सकता, हाँ या ना। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जो समय सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता? सही है ना। समय जब सिखाता है तो समय का दिया ज्ञान सबसे कीमती होता है। ठोकर खाके ही ठाकुर का दर्शन होगा। तो मुसीबतों में मजबूत होना है, और हमारी तो हर मुश्किल का हल हमारे कन्हैया बन जाते हैं।